दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में हम लोगों ने देखा है जो कंडीशनल नंबर हमारे हैं या लेटर हैं, इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। इनके जितने भी टाइप थे, 5 टाइप थे, हम लोगों ने उनको थ्योरी की वीडियो में देख लिया है उसमें से। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडीशनल नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उनकी एक्सरसाइज को कर रहे हैं। तो आज हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि कैसे सवाल इस तरह के ये सॉल्व होते हैं हमारे। तो औपबंधिक संख्या कहते हैं हिंदी में इसको, या अक्षर ज्ञात करने वाली संख्या। तो बस ये जान लीजिए कि कुछ नंबर्स दिए रहते हैं, उनका आरोही या अवरोही क्रम में कितने पेयर उनके हैं या नहीं हैं, या किस तरह की स्थिति में क्वेश्चन, ये आप लोगों को मैंने थ्योरी के वीडियो में बता दिया था। एक्सरसाइज करेंगे, बाकी जो चीज़ें बच्चे जो नए देख रहे हैं वो लोग भी यहाँ पर समझ सकते हैं इस चीज़ को। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, कह रहा है कोई संख्या है 5391246 में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में अंकों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच संख्या में उतने ही अंक हैं जितने की संख्या के भीतर अंकों को आरोही क्रम में लगाने के बाद उनके बीच होंगे। यानी जो संख्या दी है इसको कह रहा है, इसमें दो ही तरह के प्रश्न इसमें आते हैं बच्चों, एक तो आरोही क्रम पूछता है, दूसरा अवरोही क्रम में। तो ये जो व्यवस्था दी गई है क्वेश्चंस की, इसमें आपको बताना ये है कि इसको, इन संख्याओं को अगर आरोही क्रम में लगा दिया जाए, ठीक है, आरोही क्रम में कर दिया जाए, तो कितने ऐसे मतलब पेयर मिलेंगे कि जो कि आरोही क्रम में बनाने के बाद में एज इट इज यहां पर हैं। एक प्रश्न देख करके हम लोग देखते हैं इसको कैसे प्रश्न आते हैं। जैसे संख्या इसमें दे रहा है, मैं यहां पर आपको कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, कह रहा है क्वेश्चन 5391246 ये क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है, इसको क्वेश्चन में पूछ रखा है इसने आरोही क्रम में बच्चों। तो आरोही क्रम में करेंगे तो जरा इसको व्यवस्थित पहले करिए, आरोही क्रम में 1 2 3 4 5 6 9 ये कितने क्वेश्चंस आपके आएंगे। इसमें डिजिट देखिए, 3 3 6 1 7 है, 3 और 3 6 1 7 आपकी यहाँ पर डिजिट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आपको करना क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि जैसे व्यवस्थित है यहाँ पर, आपको इस कंडीशन के आधार पर, यानी कि ये व्यवस्थित हो गया क्या आपका आरोही क्रम व्यवस्थित हो गया, ठीक। आरोही क्रम में आप देखिए इसमें से कितने का स्थान यहाँ पर जैसे है उस तरह से आपका स्थान बना होगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ एक के बाद तीन, यानी एक छोड़ करके तीन का स्थान है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे, मतलब ये कंडीशन तो आपको देखनी है, रिक्वायरमेंट यहाँ पूरी करनी है। जैसे यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को मैं उठा रहा हूँ आपको, जैसे एक के बाद तुरंत टू, वन के बाद टू है, तो देखिए वन के बाद टू है, यानी कि एक क्रम यहाँ से, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे समझें, इसको एक के बाद दो है, एक पेयर यहाँ मिल रहा है हमको। सेम अगर इसको हम लोग आरोही क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं तो बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के बाद एक के बाद तुरंत दो आता है, फिर दो के बाद क्या आता है, मतलब एक से क्रम में देखेंगे तो तीन भी आ जाता है एक के बाद तीन, यानी यहाँ से अगर देखें हम तो ये तीन वाला आ रहा है, तो यानी एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया आपका। यानी यही कंडीशन आपको फॉलो करनी है, जो यहाँ पर जिस स्थान पर आएगा, यानी कि देखिए आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तीन क्या तीसरे स्थान पर आएगा, एक से तीसरे स्थान पर आएगा ना, तो एक ये बन गया, एक से आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर एक से दूसरे स्थान पर दो आएगा, तो देखिए एक से पहले स्थान पर वन आएगा, ठीक, और एक से दूसरे स्थान पर आपका क्या आ जाएगा, पहले मतलब पहला स्थान दूसरा स्थान, ठीक है, दूसरे स्थान पर तीन आ जाएगा। तो इसी क्रम में आपको देखना होगा, फिर एक से ही आप लोग अगर करना चाह रहे हैं, मतलब इसको और ऐसे इसी क्रम में आप लोग देखते रहें, ठीक है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे, वैसे आपको चाहे तो उठा करके एक से भी कर सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत, मतलब और भी संख्याओं से, लेकिन यहाँ पर हम इसी क्रम में उठा करके देखते हैं, ठीक है। फिर एक से अगर हम देखें, एक से उठा करके, तो क्या होगा कि एक से तीसरे स्थान पे फोर है, तो ये नहीं बन सकता इसका पेयर, एक से अगर हम बनाना चाहें इसका पेयर नहीं बन पाएगा, ठीक है, आप समझ रहे होंगे बात, क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट और यहाँ पर देखिए दो डिजिट के बाद तब फोर है। उसी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर सिक्स के लिए, अगर सिक्स को देखते हैं, एक से सिक्स की कंपेरिजन करते हैं तो दो डिजिट है, और यहाँ पर देखिए चार डिजिट हो जा रही, तो यानी एक से और रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर देखते हैं फोर फाइव का, अगर हम देखते हैं यहाँ से टू और फोर का तुरंत पास पास है, तो ये नहीं बन पाएगा इसका पेयर, समझिएगा क्वेश्चन को। यहाँ पर जितना ही स्थिति है वही स्थिति इसमें भी सेम होनी चाहिए, प्रश्नों को आपको देख करके समझ में आ जाना चाहिए। तो दो चार भी नहीं बनेगा, क्योंकि दो के बाद तीन होता फिर चार होता तो हो जाता, दो से फिर आप रिलेशन, मतलब एक से ही पहले रिलेशन आप लोग बना रहे थे, तो देख लीजिए एक के बाद में क्या हो जाएगा,
सिक्स का भी नहीं बनेगा, और यहाँ से एक पे हम फाइव पे चलते हैं तो क्या हो रहा है, एक दो तीन ये भी नहीं बन रहा है, मतलब एक से देखेंगे तो यहाँ पर क्या दो होना चाहिए, तीन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए सीक्वेंस लगातार है, नौ को छोड़ के बाकी सब लगातार कंटिन्यूसली है, एक दो तीन चार पाँच छः लगातार है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी क्रम में आपको समझना होगा। अब देखिए और क्वेश्चन को उठाते हैं, मतलब और भी पेयर को देखते हैं कि क्या किसी का पेयर बन रहा है। अब पहले हमने एक को उठाया, अब दो को उठा के देखते हैं यहाँ पर, फिर एक इसी क्रम में जब उठा के देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। यहाँ मैंने एक क्यों लिया, क्योंकि इसी से ही आपको बनाना है कि कितने जोड़े से बन रहे हैं आपके, तो ये आपका पेयर बन गया। फिर इसके बाद में आप दो से उठाइए, दो के बाद देखिए चार का नहीं बन रहा, छः का मतलब पहले इधर का देख लीजिए, यहाँ कोई नहीं बन रहा पेयर, ठीक है। दो के बाद में आपका तीन आ रहा है, फिर चार आ रहा है, तो यहाँ दो से कोई पेयर इसका नहीं बनेगा, सिक्स का भी नहीं बनेगा, यानी इधर का नहीं। अब दो का इधर से देख लीजिए, दो के बाद में अगर देखेंगे तो दो के बाद क्या हो रहा है कि तीन आ रहा है, तीन होना चाहिए यहाँ पर, तीन नहीं है यहाँ पर, चार होना चाहिए इस वाले स्थान पर, चार भी नहीं है इस वाले स्थान पर, पाँच होना चाहिए दो से, तो दो से क्या दो उनके बाद देखिए आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या तीन आपका है ना, तो दो के बाद तीन ये यह भी नहीं बनेगा आपका, मतलब दो से यहाँ पर देखिए दो के बाद एक आ रहा है, तो दो के बाद एक आ रहा है तो नहीं बनेगा, दो के बाद नौ आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर देखिए तो नौ आ रहा है तो नौ तो बनेगा ही नहीं, ये भी नहीं बनेगा। फिर दो से तीन पे आइए तो दो के बाद में क्या तीन हो जाता है यहाँ पर, फिर चार होगा, फिर पाँच, यानी ये तीन वाला भी नहीं बनेगा। अब पाँच को देख लीजिए, तो दो के बाद तीन चार पाँच छः यह भी नहीं बनेगा आपका, यानी यह भी कोई पेयर दो से इधर का कोई पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है, दो से कोई पेयर नहीं बना। अब उठा के देखते हैं तीन को, तीन के बाद तुरंत बाद में चार है, तो तीन के बाद तुरंत चार नहीं बन रहा है, फिर इसके बाद में और आगे जाएंगे तो ये भी नहीं बनेगा, एक भी नहीं बनेगा, फिर ये दो भी नहीं बनेगा, चार भी नहीं बनेगा, तीन के बाद देखिए चार पाँच छः ये भी नहीं बनेगा, यानी तीन से भी कोई पेयर नहीं बन रहा है। अब तीन को इधर ले आइए, चार के तुरंत तीन के बाद चार होना तो बनता, तीन से भी कोई पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। अब तीन तक हो गया आपका, इसके बाद आप चार देखिए, चार के बाद में देखिए चार के तुरंत बाद में क्या छः है, नहीं बनेगा, इधर जाने पे कोई पेयर नहीं बन रहा है। अब चार से बैक आइए आप, ठीक है, चार से बैक आएंगे तो चार के मतलब देखेंगे चार के बाद क्या हो रहा है, पाँच हो रहा है, पाँच होना चाहिए नहीं है, चार के तुरंत बाद देखिए पाँच है नहीं है, चार के बाद में अगर देखेंगे तो आप पाँच के यहाँ पर पाँच, यहाँ पर छः होना चाहिए, छः नहीं है यहाँ पर, इससे भी नहीं बन रहा है, यहाँ सात होना चाहिए चार के बाद में, मतलब नौ होना चाहिए, तो नौ वाला देखो जरा इसका क्या बन रहा है, क्या देखिए चार और नौ के बीच में, देखिए चार और नौ के बीच में दो डिजिट है ना, तो चार और नौ के बीच में दो डिजिट यहाँ मिल जा रहा है, यानी इससे ये बन जा रहा है, एक पेयर ये बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये तीसरा बन गया आपका, फिर चार से और देखिए क्या किसी और का बन रहा है, चार से देखिए पाँच का बनेगा नहीं बनेगा, चार के बाद क्या तीन का बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि तीन बगल में ही यहाँ पे है, वहाँ पे बहुत दूरी पे है, तो तीन पेयर ये बन गया आपका, ठीक है। तो चार हो गया, अब उठाइए क्या पाँच को उठाइए, लगातार पाँच के तुरंत बाद क्या छः है, पाँच के बाद छः है, तो छः यहाँ पर है तो है ही नहीं, तो इधर कुछ इधर तो बन नहीं सकता है, क्योंकि इधर ही जाना है। अब पाँच के बाद नौ देखिए, पाँच के बाद क्या है, एक डिजिट के बाद में नाइन है, पाँच के बाद एक डिजिट के बाद नाइन है बच्चों, तो पाँच के तुरंत बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइन हो जाएगा एक डिजिट, यानी एक पेयर यहाँ भी बन गया, यानी चार बन गया आपका, ठीक है। तो इस क्रम में आप चलेंगे, फिर इसके बाद और देखिए, पाँच के बाद नाइन का हो गया, इसके बाद कुछ और बन रहा है क्या, पाँच से ही आपको क्रम चलना है, तो नौ से ज़्यादा कोई संख्या है ही नहीं, तो नौ बनेगा नहीं, चूंकि बैक ये जा नहीं सकता, तो बाकी सब छोटे होंगे, तो इससे और बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं एक बार। तो पाँच के बाद में देखिए नाइन हो गया, तो पाँच से अगर देखा जाए तो हम घटते हुए क्रम में अगर देखें तो पाँच के और कम करेंगे अगर हम पाँच से, तो पाँच के बाद में देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तीन हो गया, तीन हो पाँच के बाद चार होगा, तीन होगा दो हो जाए, तो इस क्रम में अगर हम बैक में भी आएंगे, जैसे बैक चलिए यहाँ से ना क्या पाँच से बैक में अगर हम जाते हैं, तो यानी कि क्या इसको पहले हम लोग ये क्रम चली चुके हैं, तो ये से बनेगा ही नहीं, जो बनना था पहले हमने बना लिया, यानी कि जो भी क्रम में जैसे मान लो यहाँ पर दो था तीन चार पाँच, बनेगा ही नहीं, कोई भी बैक में जाने पर नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरह की संख्याओं में पाँच से जो भी आपका अंतर था, यानी इधर की क्रम में भी चलिएगा, इधर भी क्रम में चलना है आपको, ठीक। तो जब बैक में हम लोग आ रहे हैं तो केवल हमारा नाइन का बन रहा है एक बैग, ठीक है, पाँच के बाद देखिए एक छः के बाद नाइन हो जा रहा है, और फिर इसके बाद अगर क्रम में चल रहे हैं तो क्या यहाँ पर और कोई डिजिट आ रही है, चार, यानी कि अगर हम पाँच को आधार माने तो चार भी हमारा पॉसिबल नहीं है, चार तुरंत बगल में चार भी नहीं बनेगा, छः को देखें तो छः तुरंत बगल में छः से भी नहीं बनेगा, दो को देखें तो दो के बीच में क्या दो है, यहाँ पर तीन हो जा रहा है, एक दो तीन डिजिट, दो से भी नहीं इसका रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्रम में अगर चलेंगे तो एक का रिलेशन देख लीजिए, तो एक दो तीन होना चाहिए, तो एक दो ही है, तो एक का रिलेशन भी नहीं बनेगा, यानी कोई रिलेशन
क्वेश्चन अब नहीं बनेगा हमारा, ठीक है। यानी पांच का हो गया, अब हम लोग छह से उठाइए, छह के तुरंत बाद क्या नौ है, तो यहां पर छह के तुरंत बाद नौ नहीं है तो नहीं बन पाएगा। अब इसके बाद छह से अब बैक आइए आप, ठीक है। तो छह के बाद देखिए, अगर मान लो यहां दो है तो यहां पर देखिए छह के बाद कितने बाद दो है, तीन स्थान के बाद यहां एक ही स्थान, तो यानी दो से भी रिलेशन नहीं बनेगा। फिर छह से आप देखिए वन का रिलेशन, तो छह और वन के रिलेशन में एक दो तीन चार डिजिट है, छह और वन के बीच में दो ही डिजिट है तो यह भी नहीं बनेगा। फिर छह से नौ के बीच में देखिए, छह से नौ के बीच में एक ही डिजिट था, तो छह से नौ के बीच में यहां तीन डिजिट दे रहा है तो यह भी नहीं बनेगा। फिर छह से तीन का देख लीजिए, छह और तीन के बीच में यहां दो डिजिट है, छह और तीन के बीच में देखिए दो डिजिट है, छह और तीन के बीच में यहां तीन डिजिट हो जाए तो यह भी नहीं बनेगा। फिर छह से पांच के बीच में देख लीजिए, तो छह और पांच तो लगातार यहां पर, और छह पांच में इतनी ढेर सारी डिजिट यहां पर दे दे रहा है तो यह भी नहीं बनेगा। यानी चार हो गया, तो इस क्वेश्चन में देखेंगे कोई भी नहीं दे रहा है यहां पर कोई नहीं, एक दो तीन और तीन से अधिक, तो तीन से अधिक आपका चार यहां बन गया है ना, तो तीन से अधिक हो जाएगा। मैंने इस पे इतना जोर क्यों दिया, क्योंकि आपको इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, एग्जाम में सीधे देखना होगा, फिर आप स्पीड के साथ क्वेश्चन को कर पाएंगे। सीधे ये जो पेयर बन रहा है उसको यहां से कंपेरिजन करना है, आरोही क्रम में इसको जो भी संख्या दी होगी व्यवस्थित कर देना है, आरोही क्रम में जो स्थान बन रहा है वही स्थान यहां ढूंढना है। जैसे कि यहां पे बताया मैंने चार पेयर बन रहा है, अब इसको अगर पेयर के रूप में देखेंगे तो एक बन रहा है एक और दो का बन रहा है, ठीक है, दूसरा बन रहा है एक और तीन का बन रहा है, एक और तीन का पेयर बन रहा है, इसके बाद बन रहा है क्या आपका पाँच और नौ का पेयर बन रहा है, पाँच और नौ का बन रहा है, फिर इसके बाद आपका बन रहा है नौ और चार का बन रहा है, नौ और चार का पेयर बन रहा है, चार पेयर बन रहे हैं आपके, ठीक है। तो इसी तरह से पेयर के रूप में आपको जवाब देना होगा, तो चाहे पेयर भी पूछ सकता है, वैसे इसी रूप में क्वेश्चन पूछता है जो फॉर्मेट यहाँ पे हमने लिख रखा है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसको भी प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन कैसे इसके करने हैं, सेम वही कंडीशन आपकी होगी, कुछ विशेष अंतर नहीं दिखेगा इसमें। देखिए क्वेश्चन दे रहा है बच्चों कि कोई डिजिट है, कोई संख्या है, इस संख्या में आप देखेंगे तो अंकों को ऐसे युग्म है जिनमें से प्रत्येक के बीच संख्या से उतने ही अंक हैं जितने की अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर है। बस वही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइव है, सिक्स है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। इन क्वेश्चन को आरोही क्रम में कह रहा लगाने के लिए, तो आरोही क्रम में लगाएंगे एक दो तीन चार पाँच और छह, ये क्रम लगेगा आरोही क्रम का। अब इसमें से पेयर बनाना शुरू करिए, यहाँ अब एक से ही लीजिएगा क्योंकि इसी क्रम में देखिए एक के तुरंत बाद क्या दो है ना, एक के तुरंत बाद दो है, यहाँ पर एक के तुरंत बाद दो है तो एक यही बन गया आपका, एक के एक डिजिट छोड़ने के बाद तीन है तो एक डिजिट छोड़ने के बाद यानी कि यहाँ से यहाँ तक ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये तीन का भी बन रहा है। और यानी कि कहने का मतलब एक और तीन के बीच में एक है, मतलब एक संख्या कोई है, तो यहाँ पर देखिए एक और तीन के बीच में भी एक संख्या है, यहाँ एक और तीन, एक और दो पास पास है, देखिए एक दो पास पास है तो एक दो एक एक तुरंत पास कोई स्पेस नहीं है, मतलब बीच में कोई डिजिट नहीं है तो एक पेयर यहाँ बन गया। फिर दो और तीन के बीच में यहाँ पर देखेंगे तो दो और तीन के बीच में भी, या एक ही संख्या से पहले बना करके आप देखें, बार बार कूद मतलब जो है इसको वो ना करें, एक से ही करें, एक से देखिए एक से दो का बन रहा है वो एक बन गया, एक से तीन का भी बन रहा है वो भी बन गया, एक से चार का भी बन रहा है क्योंकि देखिए एक और चार के मध्य में दो हैं, एक और चार के मध्य में यानी एक से चार के मध्य में यानी तीसरा पेयर ये बन गया आपका, ठीक है, एक वाला कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद देखिए इधर तो पाँच और छः का बनेगा नहीं क्योंकि देखिए एक और पाँच और छः के बीच में ज़्यादा संख्या है यहाँ पर तो लगातार है तो इस नाते ऐसे नहीं बनेगा, तो तीन पेयर ये बन गया। अब दो से उठाइए, दो के तुरंत बाद तीन है तो दो के तुरंत बाद के तीन में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वाला डिजिट बन रहा है एक से दो से तीन का, तो दो से तीन का यहाँ पर यानी चौथा ये बन गया, दो से तीन का बन गया, और दो से जब तीन का बन गया तो दो से चार का भी बन रहा है, देखिए कैसे दो का दो के बाद चार है तो यानी एक बीच में है तो दो से चार का भी बन रहा है यानी पाँच बन गया यहाँ पर, देखिए दो से पाँच, दो से तीन का बना एक फिर दो से चार का भी बना जितनी जगह पर है, मतलब यहाँ पर दो और तीन पास पास हैं एकदम लगा बिना स्पेस के हैं, बिना कोई बीच में कोई संख्या नहीं तो यहाँ दो से तीन का भी एक है। उसी तरह से बच्चों दो और चार के बीच में एक है तो दो और चार के बीच में देखिए इसमें भी तो एक है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न दे, अब देखिए क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत जटिल आपको करने की जरूरत नहीं है और ढूंढने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल होता है, बहुत सारे पेयर बनते हैं, इस नाते क्वेश्चन यहां पर ऐसे पूछता है कि कोई नहीं बन रहा है या एक बन रहा है या दो बन रहा है या तीन से अधिक बन रहा है। तो आपको देखिए हम लोगों ने पांच पेयर ढूंढ लिए यानी पांच बन रहा है तो हमारे क्वेश्चन इसी में सॉल्व हो जाएगा, हमको और ज्यादा मेहनत इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा पेयर जैसे तीन से प्लस हुआ चूंकि क्वेश्चन को देख लेना है, यहां पर तीन से अधिक कह रहा है तो तीन से अधिक तो हमारा बन ही गया इसमें भी,
तीन से ज्यादा हमारा पेयर बन रहा है ना, ये कौन से क्वेश्चन में था, ये हमको आधार इसको बनाना है, आंसर इसमें देना है, इस क्वेश्चन पूरी जो संख्या दी हुई होगी उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देना, ठीक है। आरोही क्रम में जैसे ही व्यवस्थित हो जाएगा, आरोही को आधार बना करके इसमें से हमको आंसर ढूंढना है। तो ये जो आंसर हमारा जो है सॉरी ये हमारा आंसर इस आधार पर देना है, बेस हमारा होगा आरोही क्रम, क्लियर। तो हमारा जब पांच पेयर बन गया बेटा, तो हमें और आगे करने की जरूरत नहीं, तीन से ज्यादा अधिक हो जाएगा हमारा प्रश्न इसमें से, ठीक है, तीन से आधे हमारा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या करना है, सेम ऐसे ही कंडीशन बनानी है आपको, उसमें देखिए पांच हमने बनाया था, बनाने के लिए और भी बन जाएंगे आपको, ठीक है, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बच्चों 8429516, ये क्वेश्चन संख्या दी हुई है, अंकों के कितने ऐसे जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच संख्या में उतने ही अंक है जितने की संख्या के अंकों को आरोही क्रम में दो, सेम वही कंडीशन क्वेश्चन, अब इसमें से आरोही क्रम में लगाइए। तो देखिए पहले आरोही क्रम में 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसके बाद 3 तो है नहीं, 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, ठीक। अब चेक करने के लिए क्या करिए, जल्दीबाजी में आप करते हैं, जितनी डिजिट हो उसको काउंट कर लीजिए, ठीक है, कोई रिपीटेशन तो है ही नहीं किसी संख्या का। तो देखिए 3, 3, 6, 1, 7, तो 3 और 3, 6, 1, 7 संख्या कंप्लीट है, ठीक है। अब इसमें से देखिए बनाइए एक पेयर को, एक से पहले देखिए, एक के बाद में क्या, एक के तुरंत बाद 2 है, और एक के मतलब 4 का भी रिलेशन उससे है, 5 के बीच में 2 है, तो इसे आपको बनाना इसी तरह से होगा, एक से देखेंगे किसी इन सब का रिलेशन बनाए, एक के बाद 6 का, एक के बाद 6 तो है नहीं इसमें, एक के बाद क्या है, बीच में 1, 2, 3 संख्याएं बन रही है ना, तो इससे बनेगा ही नहीं, इधर का कोई बनेगा ही नहीं। अब इधर का लेके चलिए, एक के बाद 5 है, तो एक के बाद इसके बीच में देखिए 2 संख्याएं होनी चाहिए, यहाँ पे है नहीं, तो ये भी नहीं, 5 से भी नहीं बनेगा। 9 से देखिए, 9 के बीच में क्या, बहुत सारी संख्याएं यहाँ पर दिख रही हैं आपको, कितनी संख्याएं 3, 2, 5 दिख रही हैं, यहाँ पर 9 के बीच में एक ही संख्या दिख रही, तो एक से इससे नहीं भी रिलेशन बनेगा, ठीक है। मैं थोड़ा डिटेल इस नाते बता रहा हूँ बेटा कि जिससे कोई भी बच्चा बहुत साधारण हो उसको भी दिक्कत ना हो, ठीक है, ऐसा आते आप इसको समझिएगा, फिर आप बहुत तेजी से कर सकते हैं इस चीज को। आगे चलते हैं, एक के बाद में 2 का देखिए, तो 2 तो तुरंत पास में है, तो 2 का रिलेशन भी नहीं बने, 4 के बीच में देखिए तो एक ही डिजिट है, तो यहां पर देखिए 1 और 4 के बीच में 3 डिजिट दे रहा है, तो यह भी नहीं बनेगा। 8 का देख लेते हैं, 8 के बीच में कितना है, 1, 2, 3, 4 यहां पर है, तो 8 के बीच में 1, 2, 3, 4 ये देखिए बन गया, एक पेयर बन गया यहां पर, 1 से 8 के बीच में एक पेयर बना, ठीक है, यानी एक डिजिट यहां से इसको ऐसे कर लीजिए, एक बना ना इसमें से, देखिए 1 और 8 के बीच में कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, 4 संख्याएं यहां पर हैं, जो 4 संख्याएं हैं 1 और 8 के बीच में, यहां पर भी देखिए 1, 2, 3, 4 संख्याएं हैं 1 और 8 के बीच में, क्लियर। तो एक ये बन गया आपका। अब 2 से उठाइए, 2 के बाद तुरंत 4 है, देखिए 2 के तुरंत बाद 4 है, तो देखिए 2 के बाद तुरंत 4 हो जाएगा, तो यहां पर दूसरा आपका बन गया, क्लियर, ठीक है। इसी तरह से आप फास्ट तरीके से करिएगा, 2 के तुरंत बाद 4 है, 2 के बाद 5 आ रहा है, तो 5 के 2 और 5 के मध्य में कितना, एक डिजिट है यहाँ पे, 2 और 5 के बीच में देखिए, 2 और 5 के बीच में एक डिजिट यहाँ पे भी है, तो तीसरा बन गया, तीन पेयर बन गया आपका। फिर इसके बाद में देखिए, अभी आपका सवाल यहीं पर सॉल्व हो जाएगा, 2 से 3 हो गया, अब यहाँ पर देखिए 2 से 5 के बीच में हो गया, फिर इसके बाद में 6 के बीच में देखिए कितनी संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं, तो यहाँ पर 3 संख्याएं दे रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक। अब 2 और 8 के बीच में देख लीजिए, 2 और 8 के बीच में, तो 2 और 8 इधर आप चलेंगे, 2 और 6 तो आपने देख लिया, ठीक है, 2 और 6 में आपने देखा, तो 3 डिजिट है 2 और 6 में, हाँ बन रहा है बेटा, 2 और 6 में देखिए, 2 और 6 में, 2 और 6 के बीच में 2 संख्याएं हैं, 2 और 6 के बीच में यहाँ 3 संख्या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसके बाद में आप 8 से रिलेशन बनाइए, 2 और 8 के बीच में 3 संख्या है, 2 और 8 के बीच में एक संख्या, तो 2 से 8 का भी नहीं बनेगा, अब 2 का नहीं बनेगा, 3 से उठा के, 3 तो है नहीं, 4 का देखते हैं, 4 के तुरंत बाद 5 है, तो 4 के तुरंत बाद क्या 5 है, नहीं है, तो 4 के तुरंत बाद 5 नहीं है, अब इधर चलते हैं हम लोग, 4 के तुरंत बाद 5 नहीं है, तो 5 का नहीं बनेगा। 2 के बाद 9 के देखें, 9 के बीच में 2 के बाद 4 के बाद तुरंत 2 है ना, 4 के बाद 2 है, ये तो बन चुका हम लोग का ना, 4 से 2 का बना है, 2 से 4 का भी बन जाएगा, तो बात एक ही है, 4 से 2 का करिए चाहे 2 से 4 का करिए, एक ही पेयर बनेगा, ठीक है। तो ये इससे नहीं रिलेशन इसका नहीं बन रहा है, 2 और 9 के बीच का नहीं बन रहा है, 2 और 5 के बीच में देखिए, 2 और 5 के बीच में 2 डिजिट है, 2 और 5 के बीच में 1 डिजिट है, फिर इसके बाद में आप देखिए 4 और 1 के बीच में कोई डिजिट देखिए, 4 और 1 के बीच में कितनी संख्या है, 4 और 1 के बीच में यहाँ 3 है, 4 और 1 के बीच में 1 संख्या होनी चाहिए थी, 4 और 6 के बीच में देखिए, 4 और 6 के बीच में 1 होनी चाहिए, तो ये भी नहीं बन रहा है, यानी ये भी रिलेशन नहीं बनेगा इसका। और देन इसके बाद देखिए, और 8 का और 4 का देखिए, 8 और 4 का, 8 और 4 के बीच में तुरंत पास पास है, 8 और 4 के बीच में देखेंगे, 8 और 4 के बीच में देखेंगे 2 डिजिट है, तो इससे भी आपका नहीं बन रहा है। इसके बाद अब बचा क्या आपके पास, तो यानी कि आपने 4 का भी कर लिया, 5 का देखिए,
पाँच के तुरंत बाद देखेंगे, पाँच के तुरंत बाद छः है, या पाँच के तुरंत बाद छः है, नहीं है, ठीक है। फिर पाँच के जब देखिए, पाँच के बाद नौ तुरंत दे रहा है, तो पाँच के बाद नौ में दो संख्या होनी चाहिए, भी नहीं होगा। पाँच और दो के बीच में कितना, पाँच और दो के बीच में एक दे रहा है यहाँ पे, पाँच और दो के बीच में देखिए एक है, पाँच और दो के बीच में एक संख्या और यानी एक पाँच और दो के बीच में एक डेयर, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा हो गया। अब क्वेश्चन यहीं से आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे भी हम देखें, कह रहा है ना कि तीन से अधिक है कि नहीं, यहाँ तीन से अधिक बन गया कि नहीं बन गया आपका, तीन से अधिक बन गया, तो यहाँ पर तीन से अधिक यानी यही हो गया, चार पेयर आपने बना लिया, कन्फर्म है आप चार पेयर के लिए। तो ऑप्शन जब इस तरह से तीन से अधिक कह दिया, तो तीन से अधिक बन रहा है ना, चार बन गया, तो इसे तीन से अधिक है, तो इससे आगे हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इससे ज़्यादा हमें करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, तो आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है, अगला क्वेश्चन जो बच्चों दिए रहा है, इसमें कह रहा है कि कोई डिजिट दिया है पे सेम क्वेश्चन के जैसे आपने अभी तक आपने किया, सेम उसी तरह के क्वेश्चन ये भी है, लेकिन आगे भी देखते हैं और क्या कह रहा है इसमें। इतनी डिजिट दी हुई है 539816 में से ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अंक है जितने की जब इन अंकों को घटते हुए क्रम में रखा जाए। देखिए यहाँ पे शब्द लिख दिया है घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम को यानी कि अवरोही क्रम कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा क्रम उल्टा होगा, ये सारे क्वेश्चन आरोही क्रम के थे और ये दोनों क्वेश्चन जो होंगे वो अवरोही क्रम के क्वेश्चन होंगे, घटने का मतलब अवरोही क्रम। तो संख्या वही करेंगे जो अभी तक करते आए हैं, सेम वही कंडीशन करेंगे हम लोग, 539816 ये क्वेश्चन हमका होगा। अब इसको अवरोही क्रम यानी सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 9 है, इसके बाद 8 है, फिर इसके बाद 6 है, इनमें से देखेंगे 6 है, 5 है, फिर 3 है, 1 है, यही संख्या हो गई। कितनी संख्या थी, 3 3 6 हो गई, 6 संख्या थी तो 3 3 6 संख्या हो गई। अब यही प्लेस हमको मिलाना है, एक एक संख्या को मिला लीजिए, 9 से ही मिलाइए, 9 के तुरंत बाद क्या है, 8 है, 9 के तुरंत बाद 8 है, तो यहाँ 9 के तुरंत बाद 8 है, देखो बेटा 1 मिल गया ना यहीं पे, 9 के तुरंत बाद 8 हो, 9 के एक स्पेस के बाद 6 है, तो 9 के एक बाद 9 के बाद दो स्पेस के बाद 6 है, तो ये पेयर नहीं बन पाएगा 9 6 का। 9 के दो स्पेस के बाद में दो स्पेस के 9 के दो स्पेस के बाद 5 है, 9 के आप इधर चले आइए, 9 के एक स्पेस के बाद में 5 है, तो यह भी नहीं बन रहा है, 9 से 5 का भी नहीं बनेगा। 9 से 3 का देखिए, 9 से 3 के बीच में यहाँ पर मूल जो इसका करना है और वही क्रम में उसमें देखेंगे तो 9 से 3 के बीच में 3 है, 9 और 3 एकदम पास पास है, तो यह भी पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। फिर 9 और 1 के बीच में अगर देखेंगे तो यहाँ चार डिजिट है, 9 और 1 के बीच में एक ही डिजिट है, तो कोई नहीं बन पाएगा, यानी कि ये हमारा यहाँ से एक बना, एक ही केवल 9 का बन पाया, ठीक है। अब 8 पे चलते हैं हम लोग, 8 के तुरंत बाद मतलब जो है 6 है, तो 8 के तुरंत बाद 6 नहीं है, नहीं बन पाएगा। 8 के तुरंत बाद क्या है, 9 है, ये क्रम अगर हम देख रहे हैं, 8 के तुरंत बाद हमारा 9 है, क्रम में अगर आएंगे तो ये 8 का 9 का भी बन जाएगा एक क्रम हमारा, ठीक है। तो आप इसको भी देख सकते हैं, देखिए आप क्रम में। यहाँ पर बेटा एक बात ध्यान रखनी है कि जब एक से बन जाएगा ना, तो दूसरे का उसी से नहीं बनाना है रिलेशन, उसी सेम डिजिट का नहीं बनाना। जैसे यहाँ पर क्या, 9 से 8 का बन गया है, तो 8 से 9 का नहीं बनाएंगे आप, फिर अब आप उससे दूसरी डिजिट का बना सकते हैं, दूसरी संख्या का बना सकते हैं, सेम संख्या का सेम बार नहीं बनेगा। यानी कि किसी संख्या का जैसे एक का, मतलब पहले सवाल हमने देखा, एक से एक का तीन से बन गया, फिर तीन का एक से बन गया, तो एक का तीन से फिर नहीं बनाएंगे, एक बार ही लेंगे। उसी तरह से एट का नाइन से बन गया, तो नाइन का एट से बन गया है, तो एट से नाइन का नहीं लेंगे आप, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर एट से देखिए और भी चीज़ों को मिलाइए, सिक्स तो नहीं मिला आपका, ठीक। फिर इसके बाद में आप इस अपोजिट साइड में यानी लेफ्ट साइड से चलिए, एट के बाद में क्या है, नाइन है, तो एट के बाद नाइन है तो बन चुका है पहले से। एट के बाद थ्री अगर देखें, एट और थ्री के मध्य में कितनी संख्या है, तो तीन संख्या, दो संख्याएं हैं, यहाँ एक ही दे रहा है, ये भी नहीं बनेगा। एट और फाइव के बीच में तीन दो संख्याएं हैं, एट और फाइव के बीच में एक संख्या यहाँ दे रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा, तो एट से तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा क्या है, एट के बाद में हम सिक्स पे आएंगे। अब सिक्स से देखिए, सिक्स के तुरंत बाद वन है, तो सिक्स के तुरंत बाद वन नहीं है, यहाँ पे दो स्पेस, ये भी नहीं बनेगा। सिक्स के बाद एट आ रहा है, सिक्स और एट के बीच में एक संख्या है, सिक्स और एट के बीच में कोई स्पेस नहीं, तो ये भी नहीं बनेगा। सिक्स और नाइन के बीच में दो है, सिक्स और नाइन के बीच में यहाँ पर एक दे रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा। सिक्स और थ्री के बीच में तीन है, सिक्स और थ्री के बीच में, सिक्स और थ्री के बीच में एक होना चाहिए, सिक्स और थ्री के बीच में तीन दे रहा है, ये भी नहीं बनेगा। सिक्स और फाइव के बीच में देखते हैं, सिक्स और फाइव के बीच में यहाँ पे फोर दे रहा है, सिक्स और फाइव के बीच में तुरंत दे रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी नहीं बना हमारा सिक्स का। अब क्या बनेगा, हम लोग चलेंगे किसमें, इसी क्रम में, चूंकि हम लोग नाइन से स्टार्ट किए थे, अब सिक्स के बाद में हम लोग किस पे आ जाएंगे, फाइव पे। फाइव के देखिए, फाइव के तुरंत बाद थ्री है ना बेटा, बन गया, देखो फाइव के बाद तुरंत बाद थ्री है, क्या बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया, फाइव के बाद तुरंत थ्री हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑफ चलेंगे, तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, नौ है,
तो पाँच और नौ के बीच में बन रहा है क्या, दो स्पेस बन रहा है क्या, यहाँ पर देखिए एक ही स्पेस है, फाइव और नाइन के बीच में तो और नहीं बनेगा। फिर इसी क्रम में आप आगे बढ़ते चले जाइए, आप इसमें देखेंगे जब फाइव का नाइन से नहीं बना, ठीक है, फाइव का एट से देखिए, फाइव का एट से, फाइव और एट के बीच में एक है, फाइव और एट के बीच में दो है तो ये भी नहीं बनेगा। फाइव और वन के बीच में देखिए, फाइव और वन के बीच में एक होना चाहिए, फाइव और वन के बीच में तीन दे रहा है, ये भी नहीं बनेगा। फाइव और सिक्स के बीच में देखिए, फाइव और सिक्स में तुरंत है तो ये नहीं बनेगा, कोई स्पेस इसमें नहीं है, यहाँ ढेर सारे स्पेस दे रहा है तो ये भी नहीं बनेगा। तो यानी फाइव से भी नहीं बना। अब बचा थ्री, अब थ्री से देखिए, थ्री से फाइव के बीच में कुछ बना है क्या, थ्री से फाइव का पहले बन चुका है तो ये नहीं बनेगा आपका थ्री से फाइव का। अब थ्री से और का देखिए, थ्री का नाइन से बनेगा क्या, थ्री और नाइन के बीच में तीन डिजिट है, यहाँ तुरंत पास है तो नहीं होगा। थ्री और एट के बीच में एक डिजिट है, थ्री और एट के बीच में दो है तो ये भी नहीं बनेगा। थ्री और वन के बीच में टू है तो थ्री और वन के बीच में तुरंत पास है, नहीं बनेगा। थ्री और सिक्स के बीच में तीन है, थ्री और सिक्स के बीच में एक है तो थ्री और सिक्स के बीच में भी नहीं बनेगा। अब बचा वन, अब वन को देखिए, वन के तुरंत बाद सिक्स है तो वन के तुरंत बाद सिक्स नहीं है यहाँ पे, वहाँ दो स्पेस के साथ है, वो भी नहीं बनेगा आपका। देन इसके बाद में सिक्स से आप देखिए, एट का सिक्स और एट के बीच में कितना है, सिक्स और एट के बीच में आप देखेंगे एक स्पेस होना चाहिए, मतलब यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर एक स्पेस है तो ये भी नहीं बनेगा। वन हम लोग वन के सही देख रहे थे ना, वन से सॉरी, वन के वन और नाइन के बीच में देखिए, वन और नाइन के बीच में बहुत सारी संख्या है तो नहीं बनेगा। वन और थ्री के बीच में देखिए, वन और थ्री तुरंत ये भी नहीं बनेगा। वन और फाइव में देखिए, वन और फाइव के बीच में भी कितना है, वन और फाइव के बीच में यहाँ पर तीन है, ये नहीं, यानी कुछ और बन नहीं सकता, सिर्फ दो ही बनेगा बच्चों, ठीक है। तो दो के लिए इसमें मैंने इतनी मेहनत इस नाते की कि सारे पेयर जितने भी बन सकते हैं उतने ही आपको देखना होगा, इसी तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। और जब ढेर सारे क्वेश्चन को करेंगे तो आप अभ्यस्त हो जाएंगे, तो बहुत स्पीड के साथ आपके क्वेश्चन लगेंगे, अभी थोड़ा टाइम आपको लग रहा होगा तो इस नाते ये हो जाएगा, तो दूसरा इसका आंसर हो गया, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। इसमें कह रहा है 935126 क्वेश्चन दे रहा है इसको, और इसको भी देखिए क्या कर रहा है, इस युग्म को ऐसे अंक युग्म हैं जिनमें प्रत्येक के बीच में उतने ही अंक हैं जितने कि उनके बीच उतने ही अंक हैं रहे, जबकि संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में आयोजित किया जाता है। अवरोही क्रम वही वाली बात हो गई, फिर वही क्रम में करेंगे तो 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसको मिलाइए फटाफट, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से। 9 के तुरंत बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो 6 है, तो 9 के तुरंत बाद 6 नहीं बन रहा है तो वो नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसे देखते चले जाइए, 9 से 3 का देखिए, 9 से 3 का पहले बनेगा क्या, यहाँ से जितना भी स्पेस है इसी से आप कंपेरिजन करिएगा, ज़्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, यहीं से उठाइए आप एक क्वेश्चन को, 9 को उठा लीजिए पहले क्रम में। 9 के तुरंत बाद 3 है क्या, देखिए 9 के तुरंत बाद 3 है क्या, नहीं, 9 के बाद तुरंत 3 है तो ये नहीं बनेगा इसका। 9 के बाद 5 के बारे में लोकेशन देखिए, 9 के बाद 5 की लोकेशन बन रही है, 9 से 5 की लोकेशन बन रही है, बीच में एक स्पेस इसमें भी, इसमें भी है, ठीक है। फिर आप 9 को और उठाइए, 9 और 1 के बीच में देखिए, 9 और 1 के बीच में यहाँ पे देखिए चार डिजिट है, यहाँ पर 9 और 2 डिजिट आ रहा तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। फिर 9 और 2 के बीच में देखिए, 9 और 2 के बीच में 3 डिजिट है, 9 और 2 के बीच में 3 डिजिट है, देखिए यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पर 3 डिजिट है, इसमें भी 9 और 3 के बीच में, 9 और 2 के बीच में 3 डिजिट यहाँ पे भी दे रहा है, तो दूसरा बन गया यहाँ पे, ठीक। और 9 और 6 के बीच में देखिए, 9 और 6 के बीच में 4 दे रहा है, 9 और 6 के बीच में 4 यानी नहीं बन पाएगा, यानी कि ये दो पेयर इसका बना 9 से। अब 3 का देख लीजिए, एक एक क्रम ऐसे चलते जाइए, 3 के बाद तुरंत क्या है, 3 के तुरंत बाद 5 है ना, तो देखिए 3 और तुरंत बाद 5 है, यहाँ पे 3 और 5 का एक पेयर यहाँ भी बन जाएगा, यानी 3 पेयर हो गया, ठीक है, 3 बन गया यहाँ से 9 और 5 के बीच में। इसके बाद में आप देखिए कि 3 का चूंकि आपने उठाया हुआ है यहाँ से पेयर, 3 से उठा रहे हैं, अब यहाँ से तुरंत यहाँ पे देखते जाइए, इसी क्रम को उठाया करिए, बार बार आप क्या करिए, इसी क्रम को उठा लीजिए, इसी एक एक क्रम में चलते जाइए, इसको बस केवल देखते रहिए, इसी सवाल को देखते रहे आगे। फिर आप 3 के बाद में 1 का देखिए रिलेशन, 3 और 1 का रिलेशन बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, देखिए 3 और 1 का रिलेशन बन रहा है, 4 हो गया, देखिए 3 और 1 के बीच में क्या है, एक स्पेस होना चाहिए तो एक स्पेस यहाँ पे भी, मतलब एक जगह होनी चाहिए, एक डिजिट है, तो 3 और 4 बन गया ना बेटा। क्वेश्चन क्या देखो पूछ रहा है, यही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं, कि 3 है और 4 है तो 3 से अधिक बन रहा है ना, तो यहाँ पर ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये जो सवाल आप लोगों ने देखे और ये जो सवाल आपके हैं ये एग्ज़ाम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं और क्वेश्चन इससे आते हैं बेटा। तो ये थोड़े से क्वेश्चन क्या होते हैं, टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको करना क्या होगा, इसी को इसी रूप में मुझे चूंकि समझाना था इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से, इस नाते मैंने थोड़ा टाइम लेकर के आप लोगों को समझाया। आप लोग क्या करेंगे, जब ढेर सारे एक्सरसाइज करेंगे तो आप अभ्यस्त हो जाएंगे और बहुत तेजी के साथ आप क्वेश्चन को फिर आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, और कौन से क्वेश्चन को कैसे करना होता है ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा।
आशा करता हूँ ये एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और इस तरह के क्वेश्चंस हर परीक्षा में मोस्टली आते ही रहते हैं, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो या कोई एक दिवसीय परीक्षाएं हो, उन तमाम सारी परीक्षाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है ये। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2 देखा, जिसमें हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन देखे। अब टाइप 3 के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम लोग आपसे मिलेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे होंगे, और इसी तरह से अपने प्यार और अपना साथ बनाए रखिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।